हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सुडो फोर्स के ऊपर बेस्ड दो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, इसमें क्या गिवन है। मान लो ये एक ट्रक है, और ये ट्रक ऑब्जर्वर है जो कि ट्रक के फ्लोर के ऊपर आराम से बैठा हुआ है। ये ट्रक ऑब्जर्वर है और ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सलरेशन से एक्सलरेटेड है। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और ये क्या है, ट्रक ऑब्जर्वर जो कि ट्रक के फ्लोर पे आराम से बैठा हुआ है। ये क्या है, बॉब जिसका मास एम है। और ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो जब ट्रक एक्सेलरेटेड होता है ना इस डायरेक्शन में, जैसे कि ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो ये बॉब है ना कुछ इस पोजीशन में रेस्ट पे आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो ये बॉब इस पोजीशन में रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। मतलब इस ट्रक ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जो कि ट्रक के फ्लोर के ऊपर आराम से बैठा हुआ है कि ये बॉब तो कुछ इस पोजीशन में यहां पे रेस्ट पे है। तो इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी ये फाइंड आउट करनी है। टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये जो एंगल है ना थीटा, ये फाइंड आउट करना है। मतलब ये बॉब जब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा, वो फाइंड आउट करना है। या प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो, जब मान लो कोई ट्रक एक्सेलरेटेड हो और आप ट्रक के अंदर बैठे हुए हो जो कि ट्रक का ऑब्जर्वर बन के, तो मासलेस स्ट्रिंग से एक बॉब को बांध देना जिसका मास एम है, और उसको उस रस्सी के इस एंड को जो ट्रक की छत होती है ना वहां पे बांध देना और उस बॉब को छोड़ देना, तो बॉब है ना थोड़ी देर में कुछ इस पोजीशन में रेस्ट पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, एंगल थीटा बनाते हुए विद वर्टिकल। तो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है और इस मासलेस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड को मैं सुडो मेथड भी बोलूंगा। इसमें क्या करूंगा, मैं इस बॉब की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम ए ट्रक फ्रेम, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए बॉब फ्रॉम ए ट्रक फ्रेम, या ट्रक ऑब्जर्वर को ये बॉब के मोशन की ऑब्जर्वेशन क्या नजर आएगी। और ट्रक क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड, तो इसका मतलब ट्रक फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मैं इस ट्रक फ्रेम से इस बॉब की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो इसके ऊपर, बॉब के ऊपर एक तो सबसे पहले तो एम जी फोर्स लगा दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो ये मैं इस बॉब का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो एक तो एमजी फोर्स आ गया और ये मासलेस स्ट्रिंग है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और इस बॉब का मास कितना है एम। तो सुडो फोर्स लगा दो एम ए,
ठीक है, और क्या फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा इस रस्सी की वजह से। मान लो इस रस्सी में टेंशन टी आई, तो ये रस्सी इस बॉब पे कुछ इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये एंगल थीटा है, और यही रस्सी जो ये ट्रक की छत है ना, उस ट्रक की छत के पॉइंट पे भी कुछ ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। मैं उसको यहाँ पे दिखा नहीं रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस बॉब के एफबीडी से ही मतलब है, और ये बॉब का एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, और ये ट्रक ऑब्जर्वर ऑब्वियसली ट्रक के फ्लोर पे बैठा हुआ है, और ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सलरेशन से एक्सलरेटेड है, मतलब ये ट्रक का फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो शुड ऑफ फोर्स लगाना अनिवार्य है जब हमें किसी बॉब या किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो शूट ऑफ फोर्स लगाना अनिवार्य है, और इस केस में शूट ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आएगा एम ए। और मुझे ये भी पता है कि ये जो बॉब है ना एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, रेस्ट पे है, तो ये जो टेंशन है ना इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा टेंशन का क्या, टी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये बॉब रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रैक ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो फ्रॉम ट्रक फ्रेम, तो मतलब टी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर, और टी टी साइन थीटा एम ए के बराबर होगा, दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व कर लो, टी और थीटा की वैल्यू निकाल लो, यही फाइंड आउट करना था। तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब टी साइन थीटा बाय में टी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एम ए बाय में एम जी, ये क्या बच जाएगा ए बाय में जी, तो यहां से थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स ए बाय में जी, थीटा तो पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा, और वो कितना आया टेन इनवर्स ए बाय जी, ए एक्सलरेशन ऑफ ट्रक है और जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, क्या करो दोनों इक्वेशंस का स्क्वेयर कर दो और ऐड कर दो, तो टी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन हो जाएगा, क्या किया इस इक्वेशन का भी स्क्वेयर किया इस इक्वेशन का भी स्क्वेयर किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो टी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर, तो एम स्क्वेयर को मना जाएगा ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, तो यहां से टेंशन कितनी आ जाएगी एम रूट जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एम इंटू में रूट जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये आ जाएगी इस रस्सी में टेंशन। अब मैं इसको सेकंड मेथड से सोल्व करता हूं, मतलब ग्राउंड फ्रेम मेथड, ये तो था ट्रक फ्रेम से मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब मान लो कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर है यहां पे, ये क्या है ग्राउंड ऑब्जर्वर, इस फ्रेम से मतलब ग्राउंड के फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से मैं इसको सोल्व करूंगा, ये सेकंड मेथड है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, बिल्कुल है, तो एक्सलरेशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो क्या होगा जीरो, सही बात है, ट्रक के ऑब्जर्वर को ये यहां पे रेस्ट पे नजर आएगा, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्सलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, और वो क्या है ए। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये कितना आ गया, ए ही आ गया। तो इसका मतलब है ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड दिखाई देगा, इसी डायरेक्शन में, और ए ही एक्सेलरेशन से। ये एंगल क्या था, थीटा, और इस ब्लॉक का मास कितना है, एम। ठीक है, इस बॉब का मास कितना है, एम। इस बॉब का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आया, ए, मतलब इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन आया इस बॉब का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में कितना आया, ए। मतलब जो ट्रक का एक्सेलरेशन होगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वही इस बॉब का एक्सेलरेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बॉब है ना रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, या बॉब का एक्सेलरेशन जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, इसीलिए इस बॉब का एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर ए ही हो जाएगा, जो कि ट्रक का एक्सलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो अब देखो, ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है, तो इस पे दो ही तो फोर्स आएंगे, एक तो एमजी और एक टेंशन। और इस रस्सी में मान लो टेंशन कितनी आई, टी। ठीक है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस टेंशन को है ना दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, इसमें और इसमें। तो ये तो हो जाएगा टी कोस थीटा और ये टी साइन थीटा। तो टी कोस थीटा तो एमजी के बराबर आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि सोचो इस बॉब का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या इस डायरेक्शन में ए नहीं आया, तो इसका मतलब टी कोस थीटा तो एमजी के बराबर आना चाहिए। तो नेट फोर्स इस बॉब के ऊपर ओरिजेंटल डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना बच गया, टी साइन थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, नेट फोर्स ऑन दिस बॉब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विल बी टी साइन थीटा, क्योंकि टी कोस थीटा से तो एम जी कैंसिल हो गया ना, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो क्या हुआ, टी साइन थीटा। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या होगा, मास ऑफ द बॉब इनटू में एक्सलरेशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो यही दो इक्वेशन यहां पे आई थी और यही दो इक्वेशन यहां पे आ गई, इनको सोल्व करो, इसको डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, तो टी साइन थीटा भाग में टी कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा, और एम ए डिवाइडेड बाय एम जी कितना आ गया, ए बाय में जी। तो मतलब थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ए बाय में जी। और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को अभी स्केयर कर दो, सेकंड इक्वेशन का भी स्केयर कर दो, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो। तो टी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस टी स्केयर साइन स्केयर थीटा तो वन हो जाएगा, मतलब टी स्केयर बन जाएगा, क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। तो टी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस टी स्केयर साइन स्केयर थीटा क्या बन गया, टी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर जी स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर। तो एम स्केयर को ले लो, जी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो यहां से रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी, एम इंटू में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, वो कितना आया, टेन इनवर्स ए बाय जी। दोनों मेथड से रिजल्ट सेम ही आना है, ये टेंशन इन स्ट्रिंग और ये एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, जब ये हमारा बॉब एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। तो
अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्या गिवन है कि मान लो ये तो एक ट्रक है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, मतलब जी की वैल्यू। और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे ट्रक के फ्लोर के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, जो कि क्या हुआ, ट्रक का ऑब्जर्वर। और ये बॉब है जिसका मास एम कितना गिवन है, 400 ग्राम, ठीक है। और ये मासलेस स्ट्रिंग है, और ये बॉब एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, कि ये मासलेस स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। और ये 400 ग्राम मास का ये बॉब रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो क्या पता लगाना है कि थीटा फाइंड आउट करो, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करो। तो थीटा कितना आया था, 10 इनवर्स a/g। और टेंशन इन स्ट्रिंग, इसका क्या फॉर्मूला आया था, m इंटू में √g² + a² तो ए कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ट्रक का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मास ऑफ बोब कितना है, 400 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.4 kg। तो ये थीटा एंगल कितना आएगा, 10 इनवर्स a/g, ए कितना, 2 g 10। तो 10 इनवर्स 2/10 की वैल्यू कितनी होती है, 11.3 डिग्री। और इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी, m 0.4 × √g² + a² मतलब 10 का स्क्वायर + a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आता है 4.08 न्यूटन। तो जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और यहां पे बॉब एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और वो स्ट्रिंग इस ट्रक की छत पे भी बंधी हुई है, तो ये बॉब इस ट्रक ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, और ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, थीटा। थीटा कितना है, 11.3 डिग्री। और इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 4.08 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, वो गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो एंगल है ना थीटा, जो कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी थीटा, वो 30 डिग्री गिवन है। और ये 400 ग्राम का बॉब है जो कि एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ठीक है। और ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सलरेशन से एक्सलेटेड है, और उस ट्रक का एक्सलरेशन फाइंड आउट करना, मतलब ए की वैल्यू।
और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है कि इस मासले स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आई होगी। अगेन वही फॉर्मूले यूज करने हैं, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाय एम जी, या इसको मैं क्या बोलूं, टेन थीटा कितना ए बाय एम जी, और ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी एम इंटू में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। तो स्ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू वो कितनी आई, जी टेन थीटा, जी कितना है 9.8, टेन थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो 9.8 टेन 30 डिग्री, ये कितना आता है 5.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, एम इंटू में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम की वैल्यू 0.4 kg इंटू में रूट जी स्क्वायर, मतलब 9.8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5.48 का स्क्वायर। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी, 4.49 न्यूटन। अब एक सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम सूडो फोर्स की, उसमें देखो क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और ये मान लो ट्रक है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और इस ट्रक के अंदर है ना एक इंक्लाइंड है, स्मूथ इंक्लाइंड, और ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्मूथ इंक्लाइंड जो कि ट्रक के अंदर है वो है थीटा। और यहां पे क्या है, ट्रक ऑब्जर्वर जो कि ट्रक के फ्लोर के ऊपर आराम से खड़ा हुआ है, इसने क्या किया, एक ब्लॉक को इस इंक्लाइंड में रख दिया, और उस ब्लॉक का मास एम है। मान लो इस ट्रक ऑब्जर्वर ने इस एम मास के ब्लॉक को जेंटली इस इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया, इस स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर। तो ये पता लगाना है कि एक्सलरेशन ऑफ ए ट्रक की वैल्यू कितनी हो, सो दैट ये जो मास है ना, ये जो ब्लॉक है जिसका मास एम है, सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने इस एम मास के ब्लॉक को इससे स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया जेंटली, बिल्कुल आराम से। और ये और इस ट्रक ऑब्जर्वर को क्या लगा कि ये जो एम मास का ब्लॉक है ना, ये यहीं पे रखा रहेगा, एक बार इसने जेंटली रख दिया तो ये यहीं पे रखा रहेगा, मतलब ये ना तो नीचे आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ना अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। तो अगर ऐसा है तो इस ट्रक का एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो कि सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। और इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया है, इस एम मास के ब्लॉक को जेंटली इस इंक्लाइंड के ऊपर रखा है, और ये इंक्लाइंड स्मूथ है, और जो कि ट्रक के अंदर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और ट्रक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है ए, ये क्या है ट्रक का एक्सेलरेशन, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रक एक्सेलरेटेड है। तो इस ट्रक का एक्सेलरेशन ये फाइंड आउट करना है, सो दैट
दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक ऑब्जर्वर। अगर ये ट्रैक ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को जेंटली इस स्मूथ इंक्लाइंड पे रखता है, और भी वेरियस केस डिस्कस करने हैं, डिस्कस मोर वेरियस केस। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन लेंगे हम इस एम मास के ब्लॉक की फ्रॉम ट्रक ऑब्जर्वर या फ्रॉम ट्रक फ्रेम। और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ट्रक फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल। ये एंगल थीटा, और ये एम मास का ब्लॉक। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर एम जी फोर्स लगाओ, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो मतलब अब मैं इस एम जी फोर्स को हटा सकता हूं। इस अकेले एम जी फोर्स के इक्विवेलेंट दो फोर्स बना दिए मैंने, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस ट्रक फ्रेम ले रहा हूं, ठीक है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो सबसे पहले तो एम जी फोर्स लगाओ, उसके दो कंपोनेंट आ गए, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स भी आएगा, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं इस ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, और ये ट्रक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो सूडो फोर्स कुछ ऐसे आएगा, कितना, एम ए के बराबर, क्योंकि इससे ब्लॉक का मास एम है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी और वो कितनी, एम इंटू में ए। तो ये क्या है, सूडो फोर्स, जो कि जरूरी है क्योंकि मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन कहां से ले रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो इस सूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे कितना आ जाएगा, एम ए साइन थीटा। सही है। तो अब इस सूडो फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट दिखा दिए, एम ए कोस थीटा और एम ए साइन थीटा, ये सूडो फोर्स के ही दो कंपोनेंट हैं। मतलब जो अकेला सूडो फोर्स था ना एम ए, उसके इक्विवेलेंट दो फोर्स दिखा दिए मैंने, एम ए कोस थीटा और एम ए साइन थीटा। और अब एक आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ एम के जी ब्लॉक एन वन, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। तो एम कॉमन ले लो, ए साइन थीटा प्लस जी कोस थीटा। और ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। सोचो, मान लो ये अगर एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, फर्स्ट केस, इफ ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया था, इस एम मास के ब्लॉक को जेंटली आराम से बिल्कुल स्मूथ इंक्लाइन के ऊपर रख दिया, और मान लो इस ट्रक ऑब्जर्वर को ऐसा लगा कि ये जो ब्लॉक है ना एम मास का ब्लॉक, ये यही का यही पे रहेगा, इस इंक्लाइंड के इसी पॉइंट पे रखा रहेगा। तो मतलब एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एम ए कोस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर आना चाहिए, तभी तो इस
एम मास के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, वो तभी तो जीरो होगा। तो एम ए कोस थीटा किसके बराबर आ गया, एम जी साइन थीटा के। तो एम से एम कैंसिल, तो यहां से ए किसके बराबर आ गया, जी टेन थीटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर थीटा कितना हो, टेन इनवर्स ए बाय में जी के बराबर हो, कुछ भी लिख दो, बात सेम है। तो मुझे इस फर्स्ट पार्ट का जवाब मिल गया कि इस ट्रक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी टेन थीटा होना चाहिए, ताकि ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। तो फर्स्ट पार्ट का मुझे ये जवाब मिल गया। और नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा गया था, मोर वेरियस केसेस को डिस्कस करो। तो सेकंड पार्ट में देखो, ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट कब करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, जब एम ए कोस थीटा फोर्स एम जी साइन थीटा फोर्स से ज्यादा हो। मतलब ब्लॉक एक्सलरेट अप द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर विद एक्सलरेशन ए, ए डैश मान लो, ये ए डैश है एक्सलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। ये कब करेगा पहले तो ये बताओ। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया है, इस ब्लॉक को जेंटली इसके ऊपर रखा, और मान लो इस ट्रक ऑब्जर्वर को सेकंड केस में क्या पाया कि ये जो ब्लॉक है ना, इंक्लाइंड प्लेन अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करने लग गया, इस ट्रक ऑब्जर्वर ने ये पाया। और ये कब होगा, जब एम ए कोस थीटा फोर्स एम जी साइन थीटा फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब जब ए किससे ज्यादा होगा, जी टेन थीटा से ज्यादा होगा, या थीटा किससे कम होगा, टेन इनवर्स ए बाय जी से कम होगा। ये कंडीशन है, इसकी कंडीशन कि हमारा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करे विद एक्सलरेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ये है कंडीशन। सेकेंड केस की फाइनल कंडीशन ये है कि हमारा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करे विद एक्सलरेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। और जो इस ब्लॉक का एक्सलरेशन ए डैश अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, वो कितना आएगा, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया ना अप द इंक्लाइंड प्लेन, कितना, एम ए कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, नेट फोर्स एम ए कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एम एम को कॉमन ले लो, ए कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आ गया अप द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में एक्सलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि ए डैश माना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर एम ए डैश। तो एम से एम कैंसिल, ए डैश कितना आ गया, ए कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। कि अगर ये जो ट्रक का एक्सलरेशन है ना ए, वो अगर जी टेन थीटा से ज्यादा होगा ना, या मैं ऐसा बोलूं ये जो थीटा इंक्लिनेशन है ना स्मूथ इंक्लाइंड का विद ग्राउंड है, वो टेन इनवर्स ए बाय में जी से कम होगा, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करेगा विद एक्सलरेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, जब हमारा ट्रक ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को जेंटली स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर रखेगा, और अगर ए जी टेन थीटा से ज्यादा है या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से कम है, तो ये ट्रक ऑब्जर्वर क्या पाएगा कि ये ब्लॉक तो अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर विद एक्सेलरेशन ए डैश। अब देखो थर्ड केस क्या हो सकता है, कि हमारा ये ब्लॉक एक्सेलरेट करे लेकिन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन,
विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, कितने एक्सलरेशन से एक्सलरेट करे हमारा ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर विद एक्सलरेशन ए डैश और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करे। तो हमारा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर विद एक्सलरेशन ए डैश कब एक्सलरेट करेगा, जब एम जी साइन थीटा फोर्स एम ए कोस थीटा फोर्स से ज्यादा होगा, मतलब नेट फोर्स इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। तो मतलब एम जी साइन थीटा किससे ज्यादा होना चाहिए, एम ए कोस थीटा से ज्यादा होना चाहिए। यहां से मैं क्या रिजल्ट निकालूंगा कि ए जी टेन थीटा से कम होना चाहिए या थीटा टेन इनवर्स ए बाय में जी से ज्यादा होना चाहिए। अगर ए जी टेन थीटा से कम होगा या मैं ये बोलूं थीटा टेन इनवर्स ए बाय में जी से ज्यादा होगा तो ही हमारा ब्लॉक है ना ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। और कितने एक्सलेशन से एक्सलेट करेगा ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर ए डैश एक्सलेशन से। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन आएगा ना वो कितना आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कोस थीटा। तो एम को कॉमन ले लो, जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू मास, न्यूटन सेकंड ला लगा दिया मैंने, मास इनटू मैं एक्सलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर जो कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन मैंने कितना माना है ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एम से एम कैंसल, जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा। तो अगर मैं इसका कॉन्क्लूजन की बात करूं क्या हुआ है कि ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से एक्सलेटेड था और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ये स्मूथ इंक्लाइंड है ट्रक के अंदर, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, एक एम मास के ब्लॉक को इस इंक्लाइंड पे जेंटली रख दिया, बिल्कुल जेंटली। तो फर्स्ट केस की बात करो, अगर ए जी टेन थीटा के बराबर होगा या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी के बराबर होगा तो है ना ये जो ब्लॉक है ना ये यहीं का यहीं पे रहेगा या रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, या ब्लॉक का एक्सलरेशन जीरो होगा। ए डैश कितना होगा, जीरो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर फर्स्ट केस की बात की जाए। सेकंड केस में देखो क्या है, अगर ए जी टेन थीटा से ज्यादा हो या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से कम होगा ना तो ये जो हमारा ब्लॉक है ना अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर और वो ए डैश की वैल्यू आई है ए कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। थर्ड केस में देखो क्या है, अगर ए जी टेन थीटा से कम हो या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से ज्यादा हो तो ये हमारा ब्लॉक है ना डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सलेट करेगा विद एक्सलेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम की मैंने अभी तक बात नहीं की है, ब्लॉक का एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम की मैंने अभी तक बात नहीं की है क्योंकि मैंने इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया है फ्रॉम ट्रक फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो अगर ए जी टेन थीटा से कम हुआ या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से बड़ा हुआ तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सलेट करेगा विद एक्सलेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा से। तो अब मैं इसके कॉन्क्लूजन लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे हमने इसको प्रिलिमेरिकल सोल्व करना है, इसके फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर ए, पहली बात तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन एम के जी ब्लॉक बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड उसकी वैल्यू कितनी आई है एन वन और वो कितनी आई है एम इंटू में ए साइन थीटा प्लस जी कोस थीटा के बराबर आई है। ठीक है, अब मैं वेरियस केसेस की बात करता हूं। फर्स्ट केस में क्या है, अगर ए जी टेन थीटा के बराबर हो
ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक एट रेस्ट, इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। सेकंड केस की बात करूं, अगर ए जी टेन थीटा से ज्यादा हो या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से कम हो तो ब्लॉक एक्सलरेट करेगा, विल एक्सलरेट अप दी इंक्लाइंड प्लेन। विद एक्सलरेशन ए डैश, और वो कितना आया है, ए कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा के बराबर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। और थर्ड केस क्या आया है, अगर ए जी टेन थीटा से कम हो या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से ज्यादा हो, बात एक ही है, चाहे ए ऐसा बोल दो कि ए जी टेन थीटा से कम हो या थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी से ज्यादा हो, तो क्या होगा, ब्लॉक एक्सलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड। ठीक है, कितने एक्सलेशन के साथ, विद ए डैश एक्सलेशन के साथ, और वो कितना आया, जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा के बराबर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम नहीं। अब इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, कि मान लो ये एक ट्रक है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस इंक्लाइंड का 37 डिग्री दे रखा है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सलरेटेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर एक्सलरेशन से, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और ये 10 मीटर है, तो यहां पे हमारा क्या है, ट्रक ऑब्जर्वर, एक इंसान ट्रक के फ्लोर के ऊपर आराम से खड़ा हुआ है, इसने क्या किया, 2 केजी ब्लॉक को जेंटली यहां पे रख दिया, ठीक है, और ये हाइट कितनी है, 5 मीटर गिवन है। तो इसे ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, टी इज इक्वल टू 0 पे इस 2 केजी ब्लॉक को इस स्मूथ इंक्लाइंड पे यहां पे रख दिया, ठीक है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, और यहां पे रखा हुआ है, तो जैसे टाइम पास होगा तो 2 केजी ब्लॉक क्या यहीं पे रहेगा, या मतलब एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ये पता लगाना है। मतलब क्या ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा या टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा, मतलब ब्लॉक हिट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड और टॉप ऑफ इंक्लाइंड, ये पता लगाना है, और किस टाइम पे हमारा जो ब्लॉक है जहां पे भी हिट करेगा, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे या टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे, एट विच इंस्टेंट ब्लॉक हिट आइदर टॉप ऑफ द इंक्लाइंड और बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, ठीक
ये पता लगाना है। और मान लो कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है और ऐसे वाई एक्सिस गिवन है, तो जब तक ये ब्लॉक जहां पे भी इसको हिट करना है वहां तक हिट नहीं करता, तब तक इस 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ध्यान रहे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो जी कितना गिवन है 10 और थीटा कितना गिवन है 37 डिग्री। तो सबसे पहले मैं जी 10 थीटा की वैल्यू निकाल देता हूं। जी 10 गिवन है और थीटा 37 डिग्री गिवन है। 10 37 कितना होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 10 या 30, 30 भाग में 4, मतलब ये हो गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने अलग से जी 10 थीटा की वैल्यू बस ऐसे ही निकाल ली है कुछ पता लगाने के लिए। एक्सलरेशन ऑफ ट्रक देखो, ए वो कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ए जी 10 थीटा से कम नहीं है? बिल्कुल है। तो ये थर्ड केस अप्लाई होगा, ए जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सलरेशन ऑफ ट्रक, और जी 10 थीटा की वैल्यू क्या है 7.5। क्या 4 7.5 से कम नहीं है? बिल्कुल है, मतलब ए लेस देन जी 10 थीटा बिल्कुल है। तो क्या कंक्लूजन निकला? ये 2 kg ब्लॉक है ना, एक्सलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विद एक्सलरेशन ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ध्यान रहे। तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी थर्ड केस में? जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा। तो जी 10 साइन 37 माइनस ए कितना 4 कोस 37। तो ये ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी 10 साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 -4 cos 37 की वैल्यू 4/5। तो 10 या 30, 30 में 16 गए 14, तो 14 भाग में 5, तो ये आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 दूनी 10 और ये आ गया 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए डैश की वैल्यू आ गई 14 भाग में 5 बोल दो, या 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t=0 पे ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है और यहां पे है इंक्लाइंड के ऊपर, यहां पे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। और हमें ये पता चल गया ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो ट्रक फ्रेम से मैं इस 2 kg ब्लॉक को देख रहा हूं, ऐसा सोचो ट्रक के अंदर बैठ के इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को देख रहा हूं। तो ये जो लंबाई है इंक्लाइंड कितनी, ये कितनी आएगी परपेंडिकुलर 5/10 लंबाई, मान लो ये एल है परपेंडिकुलर भाग में हाइपोटेन्यूज कितना होता है 37 और 37 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25 भाग में 3, तो ये आ गया 8.33 मीटर। इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी है 8.33 मीटर, और 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट पे है t=0 पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर और यहाँ पे है, और जैसे टाइम पास होगा ये 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और एक्सलरेट होगा कितने एक्सलरेशन से, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। तो किस टाइम पे ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा? मान लो कैपिटल टी टाइम पे हिट करा, तो s=ut+ ½t² लगा दूं, एस मतलब कितनी दूरी तय करेगा ये 8.33, यूटी 0 हो जाएगा क्योंकि t=0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। हाफ एक्सलरेशन कितना 2.8,
कैपिटल टी स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैपिटल टी की वैल्यू आएगी 2.439 सेकेंड। तो मतलब एट टी इज इक्वल टू 2.439 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा, हिट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड। और इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2.439 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक ऑब्जर्वर वो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, यू 0 था, एक्सेलेरेशन 2.8, यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल 2.439 सेकेंड। तो ये कितना आएगा 6.829 मीटर पर सेकेंड। तो इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2.439 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर वो क्या होगी 6.829 मीटर पर सेकेंड। देखो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है और कितना आया 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक ऑब्जर्वर है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म ये क्या लिखा जाएगा, इसको रिजोल्व कर लो दो कंपोनेंट में, ये कितना आएगा 2.8 cos 37। और 2.8 cos 37 की वैल्यू कितनी आती है 2.24। और ये क्या हो जाएगा 2.8 sin 37 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.68। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो क्या हो जाएगा 2.24 i कैप - 1.68 j कैप। ऐसा ही तो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ये आया है ना 2.24 i कैप - 1.68 j कैप। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना है 4 i कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना हो जाएगा 6.24 i कैप - 1.68 j कैप, इतना हो जाएगा। और यही पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगा 6.24 i कैप - 1.68 j कैप, ये आंसर हो गया। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी इसी आंसर आंसर को ले आऊंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये आ गया, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लाऊंगा इसी आंसर को। ये क्या मेरा 2 kg ब्लॉक और ये एंगल कितना 37 डिग्री। तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर वास्तविकता में कौन से फोर्स आएंगे या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जब मैं इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करूंगा तो इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे ये बताओ। एक तो mg आएगा, 2 kg का है तो 20 न्यूटन आ गया mg। और एक क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड, और वो कितना होगा N1। और N1 की वैल्यू कितनी आई है m इंटू में a sin θ + g cos θ, ये आई थी। m की जगह 2 पुट करो, a की जगह 4 और थीटा की जगह 37 डिग्री। तो ये N1 आएगा 20.8 न्यूटन।
ये एंगल 37 है अगर, तो अगर ये एंगल 37 है तो क्या ये एंगल भी 37 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तो ये 53 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आई है ना इस 2 kg ब्लॉक पे बाय दी स्मूथ इंक्लाइंड, जो कि 20.8 न्यूटन आई है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दो। एक तो 20.8 sin 37 में और एक 20.8 cos 37 में। तो 20.8 cos 37 की वैल्यू कितनी आती है? 16.64 न्यूटन। और 20.8 sin 37 की वैल्यू कितनी आती है? 12.48 न्यूटन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के इक्विवेलेंट दो फोर्स आ गए, 12.48 न्यूटन, 16.64 न्यूटन। तो अब बेशक से इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हटा दो। बीस न्यूटन और ऊपर की तरफ है 16.64 न्यूटन, इन दोनों फोर्सेस की जगह पे मैं एक नीचे की तरफ फोर्स लगा सकता हूं, कितने का? 20 - 16.64 न्यूटन का, इन दोनों की जगह 20 - 16.64 न्यूटन का नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा? 3.36 न्यूटन। 20 - 16.64 की वैल्यू कितनी होगी? 3.36 न्यूटन। और ये 2 kg का ब्लॉक था, ग्राउंड फ्रेम से देखा था मैंने इस ब्लॉक के मोशन को यहाँ पे। तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आया ग्राउंड फ्रंट से देखा जाए? ग्राउंड फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया? 12.48 I कैप - 3.36 J कैप। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये किसके बराबर होना चाहिए? मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो कितना हो जाएगा? 6.24 I कैप - 1.68 J कैप। 12.48 / 2 6.24, 3.36 / 2 1.68। देख लो दोनों सेम आए हैं, ये वाला और ये वाला आने भी चाहिए। तो इसमें ये पूछा गया था कि 2 kg ब्लॉक कहाँ पे हिट होगा फर्स्ट टाइम, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे या टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे? आंसर क्या मिला? बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे। और किस टाइम पे हिट होगा? 2.439 सेकंड पे। और वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 2.439 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर वो कितनी होगी? ऐसे 6.829 मीटर पर सेकंड। और क्या पूछा गया था? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जब तक ये 2 kg ब्लॉक इस बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट नहीं हो जाता वो कितना आया? 6.24 I कैप - 1.68 J कैप। तो ये 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू 2.439 सेकंड के लिए।